Question number 13. This is a very obvious question. You can easily see in third option that the P side is at higher potential and N side is at the lower potential. Therefore, the answer is third. ये फिगर बना देता हूँ मैं. This is plus 2 volt, this is minus 2 volt. ये P side होता है, ये N side. तो P side high potential पर है और N side lower potential पर है. इसलिए ये एक forward bias diode connection है. ठीक है? Therefore, answer is third. In this question, ये हमें पहले से मालूम है कि जब भी electromagnetic wave चलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऑन एन एवरेज इक्वल एनर्जी स्टोर होती है. तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहा. इसका जो आंसर होगा वो आंसर वन होगा. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन सी एंड बी आर कनेक्टेड लाइक दिस, L, R, the battery is disconnected, when R and L are connected like this, if we apply Kirchhoff's voltage law along this loop, then VR plus VL is equal to 0. Voltage drop across R and voltage drop across the L, yani inductor, is equal to 0. Therefore, VR upon VL is equal to minus 1. Hence, answer is 1. Answer is 1. Start correct. Question number 16. Simple cell station. जैसे block नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है t. Equation लिखे, mg minus t is equal to ma. और पुली पर टॉर्क का इक्वेशन लिखे अगर, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा. आई की वैल्यू लिखते हैं एम आर स्क्वायर बाई टू, इसको एक डिस्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं. अल्फा को लिख सकते हैं ए बाई आर. तो T इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ए बाई आर. सॉल्व करें इसे. सॉल्व करने पर जो ए की वैल्यू आती है वो जी बाई टू के बराबर आ जाती है सॉल्व करें. Therefore, answer is 4. Question number 17. इस question को properly observe करें, तो temperature A, B, C तीनों points पर दिए हुए हैं. अगर हम internal energy का change देखें in process B, C, तो change in internal energy delta U is given by F by 2 N R delta T. डायटमिक गैस है, therefore degree of freedom is 5, number of moles is 1, R के टर्म में आंसर दे रखा है डेल्टा टी. अगर हम बी से सी जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 600 माइनस 800. सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस 500 R. तो डेल्टा यू बी सी, सॉरी हाँ डेल्टा यू बी सी इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी. सॉल्व करने पर ये माइनस 500 आ रहा है. एक ही आंसर करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 2. स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 18. एक एच हाइट के टावर से एक बॉल को प्रोजेक्ट करा गया है. ये एच हाइट का टावर है, इससे सपोज करो एक बॉल प्रोजेक्ट करी गई. ये लड़का बॉल फेंक रहा है विद स्पीड यू. बॉल जाती है ऊपर, लौट करके आती है. क्वेश्चन में ये बता रहा है कि यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम अगर टी है, तो टोटल यहाँ से ग्राउंड तक आने का टाइम जो है वो एन टाइम्स है. ठीक है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स द टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने टी मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम एन टी के बराबर होगा. मैं लिख देता हूँ टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट
is equal to t is equal to u by g. Time taken to reach ground is equal to nt. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इक्वेशन लिखता है, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो जब बॉल यहां से यहां पहुंचेगी तो s की वैल्यू हो जाएगी माइनस h, u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और यहां से यहां तक का टोटल टाइम nt है. u इंटू nt प्लस हाफ इंटू माइनस g इंटू nt का होल स्क्वायर. इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 2gh, रिलेशन आता है 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर टू एन माइनस टू, ये आ जाता है सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व किया जाए. देयरफॉर आंसर इज 1.